तो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज माशाल्लाह से 29th रोजा हो गया है, तो मैं आज नानी के घर पर हूँ क्योंकि मैं माशाल्लाह से मामा बन चुका हूँ, तो इस वजह से हम लोग नानी के हैं और अम्मी हॉस्पिटल में, इस वजह से तो हम लोग नानी के हैं। तो मेरे साथ ये है मुर्तजा, ये बच्चा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, ये भागे जा रहे हैं, और ये आयशा है, आयशा आए करो भाई आयशा, और ये हैदर, अजान, मुहीद, अदीबा सब यहीं पर ही हैं। तो बस हमारी अभी सहरी होने वाली है, अभी सब टाइम हो रहा है 3:30 का, तो सहरी भी हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। कोरियन विंग्स हैं एंड मैक्रोनी है, फ्राइड राइस है, और ये बच्चा पीछे पीछे भाग रहा है उसके, बच्चा पीछे पीछे भाग रहा है। तो खैर पहले हम सहरी कर लेते, फिर उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। 8 hours later. So, भाई यहाँ से रात की छुट्टी हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं सामान लेकर मुन्नी का, और माशाल्लाह से मुन्नी का नाम नीरव रखा है, तो हम लोग जा रहे हैं जल्दी से ताकि बच्चे पहुँच जाएँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। 3 hours later. तो भाई मैं अभी सिराज भाई के साथ ब्लड वापस करवाने आया हूँ, अभी इस वक्त सैफी हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, वो नमाज़ पढ़ने गए, तो खैर वो आ जाते हैं, तो फिर हम लोग को जानी है एल्बम्स लेने शादी की, तो आज शादी के एल्बम्स भी आ जाएंगी, तो फिर बोलेंगे और फिर जाएंगे घर, क्योंकि यार बहुत टाइम हो गया और मुझे नहाना भी है, बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना बॉडी ना गर्म हो रही है, तो बस हमें नहाऊंगा घर जाकर। तो खैर अभी यहाँ से निकलते हैं ब्लड वापस करके, फिर हमें एल्बम्स लेंगे, फिर आप लोगों से मिलते घर पर। 2 hours later. तो भाई हम लोग दरअसल आए हैं मुन्नी की शॉपिंग करने ईद की, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और अभी हम ग्रीन लाइन के स्पर देख सकते हैं आपको, पर हम वहाँ पहुँच जाते फिर आप लोग। तो भाई 4 घंटे बाद हम लोग गढ़नाव आप ही के घर से यहाँ पर आ गए। खैर तो हम लोगों ने वहाँ पे अफ्तारी करी थी, वहाँ पे ना आप इन लोगों ने रोके थे कि भाई अफ्तारी करके जाना, तो खैर फिर हम अफ्तारी करके वहाँ से आए, तो फिर हम लोग जब घर पर आए तो पता चला कि सऊदी में ईद हो गई, मतलब कुछ भी सऊदी में ईद हो गई, 29 रोज़ों पर ईद हो गई। खैर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ माशाल्लाह से परसों भी, तो सॉरी कल भी रोज़ा है और परसों होगी ईद, यानी कि जुम्मे का भी रोज़ा होगा और हफ्ते की होगी ईद। तो खैर अभी कोई बात नहीं, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 1:30 बज रहा है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, वकास का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो हम वकास आते हैं तो फिर उसके बाद हम जाते हैं बाल कटवाने, क्योंकि हमने रिज़र्वेशन करी हुई थी पहले से ही नाई के पास, तो उसने कहा था यार आप लोग ना तकरीबन 12:30-1 बजे तक आ जाना, तो बस उसका टाइम हो रहा है 1:30, हम हो गए लेट, तो अब हम जा रहे हैं, तो वकास आ जाते तो फिर हम निकलते हैं। तो भाई मिलते हैं फिर आप लोगों से बाल कटवा कर आने के बाद, और ब्लॉग में रात में ही एंड कर लिया, तो मिलते हैं बाल कटवाने के बाद। 3 hours later. तो भाई बाल वगैरह कटवा कर मैं अभी अभी आया हूँ, और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30, यानी कि मुझे भी काफ़ी लेट हो गया, और मेरे तो खैर कट गए पर वकास के नहीं बाल कटे भाई। तो खैर वकास मेरा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो अपना मोबाइल ही यहाँ छोड़ के गया था, वरना वो मुझे छोड़कर चला जाता, बट वहाँ पे हुआ ऐसा कि काफ़ी ज़्यादा रश था, तो उन्होंने बोला वकास को बुला के, मैं आप दोनों में से किसी एक के ही बाल कटवा सकता हूँ, तो वकास ने बोला आप हाथ ही काट दें मैं कल कटवा लूँगा, तो फिर उन्होंने मेरे काटे, तो अभी कटवा कर मैं आया हूँ बाल, तो टाइम इतना लग गया कि 3:30 हो गए, अब सहरी का टाइम हो गया, तो अब मैं सहरी करूँगा। तो होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल। तो बस आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखते रहें और लाइक करते रहें, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार देते रहें, और सबसे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं, प्लीज़ ईद आ चुकी है, खैर मुझे पता अभी 2000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, हाँ पर बकरीद से पहले ज़रूर हो जाना चाहूँ, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ व्लॉग एंड करने, फिर इसके बाद मुझे नया व्लॉग स्टार्ट करना है भाई, फ़ौरन ही नया व्लॉग स्टार्ट करूँगा, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर वाले व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।